जिला कार्यालय में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण सह प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री प्रेम कुमार के हाथों किया गया। इस दरमियान स्वस्थ मिट्टी कार्ड का वितरण किया गया, साथ ही प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि मिट्टी में मौजूद 12 तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी हो तो किसान इसकी पहचान आसानी से कर सके और उस अनुरूप मिट्टी में उर्वरक भी डाल सके। साहब मंत्री जी को पांच दिसंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक हम विश्व मृदा दिवस मना रहे हैं। जाकर खेतों की जो मिट्टी जाकर के है, इस मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए 10 लाख किसान भाइयों को हम सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। उसका मतलब यह है कि जो मिट्टी हमारी है उसमें 12 तत्व पाए जाते हैं, जाकर के उस 12 तत्व में किस तत्व की मिट्टी में कमी है या किसान भाई उसी हिसाब से खाद का प्रयोग करेंगे तो लागत उनका कमेगा जाकर के, और खेत के मिट्टी को स्वस्थ बना रहेगा और साथ साथ क्लाइमेट जो हमारा है क्लाइमेट बेहतर हमारा होगा जाकर के। 10 लाख का हमारा लक्ष्य था पूरे राज्य का, जाकर कल तक 2 लाख बढ़ चुके हैं जाकर के, और 15 दिसंबर तक राज्य के 10 लाख किसान भाई बहनों को हम सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे ताकि उसमें जिन तत्वों को खेतों में जो कमी है उसके हिसाब से खाद का प्रयोग करके खेत की मिट्टी की सेहत बनाने के लिए कदम जा करके। और साथ साथ उसी निमित्त कार्यक्रम चल रहा है, कटिहार का प्रोग्राम था पूरा पूर्णिया में चलना चाहिए जाकर बगल में जाकर। अब मुझे खुशी है आप सबों से मिल करके, तो मूल कार्यक्रम तो हमारा ही था जाकर के, और वैसे आगे हम पंचायतों में किसान भाइयों के लिए हम पंचायत में कृषि कार्यालय खोलने जा रहे हैं जाकर। राज्य के 8,405 पंचायत हैं, वह कृषि कार्यालय में खोलने जा रहे हैं तो किसान भाई जो गांव से चलकर काफ़ी दूर आना पड़ता है ब्लॉक में, यह बात खत्म हो जाएगी और चालू वित्तीय वर्ष में मार्च तक हम लोग पूरे राज्य के 8,405 पंचायतों में हम निश्चित तौर पर कार्यालय पंचायत स्तर पर खोलेंगे। वह किसान सलाहकार बैठेंगे, कृषि समन्वयक बैठेंगे, किसानों की दूरी कमेगी और समय की बचत होगी।